हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट्रैक्टिव लूप्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल फूलों वाला डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये डिज़ाइन मैंने स्टॉल के लिए बनाया है। आप जो चाहें इससे बना सकती हैं, स्टॉल चाहें स्टॉल बना सकती हैं, या पूरी शॉल अगर आप इससे बनाना चाहती हैं तो वो भी बना सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये दिखने वाला है। तो गर्मियों में भी आप इसको धागे से बना सकते हैं और सर्दियों में भी आप इस पैटर्न को ऊन के साथ बना सकते हैं। दोनों ही मौसम में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये पैटर्न इतना ही सुंदर लग रहा है जितना मुझे लग रहा है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी और सिंपल पैटर्न है ये, सिर्फ थोड़ा सा आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत होगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसको यूज़ कर सकें। फ्रेंड्स, 4 प्लाई की बारीक वाली ऊन के साथ 12 नंबर का क्रोशिया हुक लेकर सबसे पहले हम अपनी चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो 3 चेन मैंने बनाई हैं। अब इसके बाद में 4 चेन हम इसमें बनाएंगे। अब जो 4 चेन हमने बनाई हैं उसकी पहली वाली चेन में क्रोशिया डालेंगे, 3 चेन हमारे पास पीछे रह जाएंगी। इसमें एक स्लिप स्टिच कर देंगे, एक छोटा सा रिंग हमारे पास ये बन गया है। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और ये जो रिंग हमने बनाया है इसके बीच में जो होल है इसमें हम क्रोशिया डालकर उनको आगे लाएंगे। पहले 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर 2 लूप्स में से निकालेंगे। तो ये एक डबल क्रोशिया बन गया, एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर हमने बनाया है। ये 3 डबल क्रोशिया काउंट होंगे 3 चेन को मिलाकर, ठीक है। अब 3 चेन बनाएंगे और इसी रिंग में क्रोशिया डालकर एक स्लिप स्टिच हम कर देंगे। तो ये देखिए, पहली पत्ती फूल की एक पंखुड़ी हमारी यहाँ पर बन गई है, ठीक है। अब इसके बाद में 3 चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और इसी रिंग में फिर से हम क्रोशिया डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे। 3 चेन को मिलाकर 3 डबल क्रोशिया हमारे ये काउंट हो जाएंगे, ये हो गए। अब इसके बाद में हम 7 चेन बनाएंगे, ये हो गई 7 चेन बनाई हैं हमने। अब ध्यान से देखिएगा, 4 चेन और इसमें हमें ऐड करनी है, ये 4 हो गई। अब जो 4 चेन बनाई है हमने उसकी पहली वाली चेन में एक स्लिप स्टिच करेंगे, तो ये एक रिंग फिर से हमारे यहाँ पर बन गया है। इसको आगे की तरफ ले आएंगे, 3 चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और रिंग के बीच में फिर से क्रोशिया डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये हो गए। अब इसके बाद में हम 3 चेन बनाएंगे और इसी रिंग के बीच में क्रोशिया डालकर हम स्लिप स्टिच के साथ इसको जॉइन करेंगे। तो ये देखिए, एक पंखुड़ी हमारी यहाँ पर बन गई है। अब 3 चेन बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, ये हो गया। तो ये देखिए, 2 फूल हमने यहाँ पर डाल दिए हैं और बीच में 7 चेन का स्पेस है, ठीक है। इसी तरीके से हमें अपने फूल डालने हैं, तो आपको जितने भी अपने स्टॉल की चौड़ाई रखनी है उतने सारे आपको फूल बना लेने हैं। अपनी स्टॉल की या शॉल की चौड़ाई जितनी भी आपको रखनी है उसी हिसाब से ये 2 फूल मैंने बनाए हैं। अब देखिए, इसके बाद में फिर से हम 7 चेन बनाएंगे। 7 चेन बनाने के बाद में हम अपना 3रा फूल डालेंगे। तो 4 चेन बनाकर फिर से एक रिंग बनाएंगे और इसी तरीके से हमें अपना 1st रो कम्प्लीट कर लेना है। ये देखिए, 6 फूल मैंने यहाँ पर डाले हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अपने स्टॉल की या शॉल की चौड़ाई पूरी कर लेनी है। पहले आप 2nd रो स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, 2 डबल क्रोशिया मैंने यहाँ आखिर में बनाए हुए हैं, यहाँ पर हमारा 1st रो कंप्लीट हो जाता है। अब 2nd रो स्टार्ट करेंगे, तो इसके लिए 3 चेन बनाएंगे और रिंग के बीच में क्रोशिया डालकर स्लिप स्टिच कर देंगे। अब 3 चेन बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया इस रिंग में से हम बनाएंगे। तो ये हमारे फूल की 3री पत्ती है, ये वाला जो फूल है ये हमें कंप्लीट बनाना है, इसमें हम 4 पत्ती कंप्लीट करेंगे। तो 2 डबल क्रोशिया के बाद में 3 चेन बनाएंगे और ये देखिए, इसको भी हम रिंग में जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ। ये 3 पत्ती हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। अब हम 3 चेन बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया और इसी वाली रिंग में से हम बना लेंगे। तो ये हमारी 4th पत्ती जो है यहाँ पर कंप्लीट करनी है हमें। ये देखिए, इस तरीके से ये दिखाई देगा, ठीक है। तो 1st रो के साथ 2nd रो हमने स्टार्ट किया हुआ है और अपना पहला फूल हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो ये जो हमारी 7 चेन बनी हुई हैं इसमें से 4 चेन हमारी बाकी रह जाएंगी, 3 चेन ही हमारी हैं। तो यहाँ पर जो हमारी 3 चेन हैं, 3री वाली चेन में क्रोशिया डालकर हम इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर देंगे। तो ये 4थी वाली पंखुड़ी हमारे फूल की अब कंप्लीट हुई है। अब हम 7 चेन बनाएंगे। अब ये देखिए, 7 चेन बनाने के बाद में ये जो दूसरा वाला फूल हमारा आ रहा है, इसके हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, जिसके बाद हमने 7 चेन बनाई हैं।
तो ये जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में ये देखिए यहाँ पर ये होल आपको नज़र आएगा, इसमें हम क्रोशिया डालेंगे और इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। ये सात चेन हमारी यहाँ पर जॉइंट हो गई दूसरे वाले फूल के साथ। अब हम तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, और इसको बीच में रिंग में स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर देंगे, ठीक है। तो ये फूल की दो पंखड़ी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली हैं, ये देखिए इस तरीके से दिखाई देगी। ये वाला फूल हमारा कंप्लीट है। इसके बाद में सात चेन बनाई हैं हमने और इसको हम अपने इस वाले फूल की पंखड़ी में स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे। अब इस वाले फूल की दो पत्तियाँ और हमें बनानी हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन। अब दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब तीन चेन बनाएंगे और इसको बीच में हम जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ। ये तीन पत्ती हमारी हो गई। अब हम चौथी बनाएंगे, तो तीन चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और इसी रिंग में दो डबल क्रोशे और हम बनाएंगे, एक दो। अब इसको फिर से हम जॉइंट करेंगे जैसे हमने पहले वाला फूल जॉइंट किया है, तीसरी वाली चेन में एक स्लिप स्टिच के साथ हम यहाँ पर इसको जॉइंट कर देंगे। तो ये चार पंखड़ी हमारी दूसरे वाले फूल की भी कंप्लीट हो गई हैं, ये देखिए। इसी तरीके से सारे फूल हमें कंप्लीट करने हैं सेकंड रो में। ये दो फूल मैंने आपको कंप्लीट करके दिखा दिए हैं, बीच में सात चेन का स्पेस हमने बनाया है। ऐसे यहाँ पर हम सात चेन बनाएंगे और इसको आगे वाले फूल के जो दो डबल क्रोशिया हमारे बने हुए हैं इसके जो चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करेंगे। ये हो गया। अब तीसरा फूल हम अपना कंप्लीट करेंगे, ये देखिए यहाँ पर हमने पहला फूल कंप्लीट किया है, उसके बाद में तीसरे चेन में जॉइंट किया है, फिर सात चेन बनाई हैं और दो डबल क्रोशिया की चेन में जॉइंट किया है, फिर दूसरा फूल कंप्लीट करके फिर से हमने तीन चेन में जॉइंट करके सात चेन बनाई हैं और यहाँ पर हमने तीसरे वाले फूल में इसको जॉइंट किया है। इसी तरीके से सारे फूल हमें कंप्लीट कर लेने हैं। तो ये देखिए पांच फूल मैंने यहाँ पर कंप्लीट बना लिए हैं, ठीक है। और ये जो आखिर वाला फूल है हमारा छठा वाला, इसको अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर हम तीन चेन बनाएंगे, सात चेन हमने यहाँ पर जॉइंट की हुई हैं। अब हम तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन। अब इसको सेंटर में रिंग में हम स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर देंगे। दो पत्ती हमारी इस फूल की कंप्लीट हो गई हैं। अब हम तीन चेन बनाएंगे और यार्न ओवर करके दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, ठीक है। यहाँ पर हमारा सेकंड रो कंप्लीट हो गया है। ये फूल हम कंप्लीट नहीं करेंगे, इसकी तीसरी फूल तीसरी वाली पंखड़ी हमने अभी इनकम्प्लीट छोड़ी है। तो दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद में हम 10 चेन बनाएंगे यहाँ पर और 10 चेन हमारा तीसरे रो में काउंट होंगी। तो तीसरा रो हमने स्टार्ट किया है। अब चौथी चेन में क्रोशिया डालकर एक रिंग हम बना लेंगे यहाँ पर और इसको आगे की तरफ रखेंगे। तीन चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और इसी रिंग में से हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले। तो ये थर्ड रो का पहला फूल हम यहाँ पर डाल रहे हैं अपना, ठीक है। दो डबल क्रोशिया बनाकर इसको हम छोड़ देंगे और ये देखिए इस पीस को आगे की तरफ लेकर आएंगे और ये सात चेन हमारी बनी हुई हैं। इसके सेंटर वाली चेन में फोर्थ चेन में हम एक स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पर। तो थर्ड रो के पहले वाले फूल की पहली पत्ती को हमने सात चेन के बीच में जॉइंट कर दिया है, ठीक है। अब हम तीन चेन बनाएंगे और जो फूल हम बना रहे हैं इसको आगे की तरफ लेकर आएंगे और इसके बीच वाले रिंग में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये पहली पत्ती अब हमारी कंप्लीट हो गई। अब तीन चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और दो डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। तो ये दूसरी पत्ती हमारी यहाँ पर बन जाएगी, इसको हम इतना ही बनाएंगे। अब तीन चेन बनाएंगे और फिर से पीस को आगे की तरफ लेकर आएंगे। ये हमारी रॉन्ग साइड है इस टाइम जो हमने पकड़ी हुई है। अभी देखिए एक पत्ती ये है और दूसरी पत्ती ये है। इसके जो तीन चेन हमने बनाई थी उसकी टॉप चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको हम जॉइंट कर देंगे, इस तरीके से ये दिखाई देगा, ठीक है। तो हर बारी में हमें दो ही पत्ती बनानी है। ये थर्ड रो है हमारा, तो फर्स्ट रो की तरह हमने यहाँ पर पत्ती बनानी स्टार्ट की है अपनी और इसको हम साथ में जॉइंट करते चले आएंगे सेकेंड रो के फूलों के साथ, ठीक है। अब हम यहाँ पर छः चेन बनाएंगे और उसमें चार चेन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे रिंग के लिए।
अब फोर्थ चेन में क्रोशिया डालकर एक रिंग और हम यहाँ पर बनाएंगे और दूसरा फूल यहाँ से हम डालना स्टार्ट करेंगे। तो रिंग को आगे की तरफ लेकर आएंगे, तीन चेन बनाएंगे और अपनी पहली पत्ती यहाँ पर बना लेंगे। फ्रेंड्स, कुछ भी अगर आपको कन्फ्यूज़न लगे, आपको इस पैटर्न में समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगी। तो वैसे आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ, और फिर भी आपको कोई कमी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। तो ये देखिए, पहली पत्ती हमने बना दी है यहाँ पर, और फिर से हम इसको सातवीं चेन के बीच वाली चेन में जॉइंट कर देंगे, जैसे हमने पहले वाले फूल को जॉइंट किया है। अब इसको इस तरीके से घुमाएंगे, तीन चेन बनाएंगे और इसको सेंटर में रिंग में हम स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे। पहली पंखुड़ी यहाँ हमारी यहाँ पर बन गई है। अब दूसरी बनाएंगे तो तीन चेन बना लेंगे और दो डबल क्रोशिया और हम इसी सेंटर में बनाएंगे। तो ये देखिए, दूसरी पत्ती हमने यहाँ पर डाल दी है, फूल की दूसरी पत्ती है ये। अब इसके बाद में तीन चेन बनाएंगे और इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे, और ये जो फूल बना हुआ है हमारा आगे वाला, इसमें पहली पत्ती छोड़कर दूसरी वाली पत्ती की टॉप चेन में जो तीन चेन बनी हुई हैं उसकी टॉप चेन में हम इसको जॉइंट करेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, थर्ड रो में हमने ये दो फूल डाल दिए हैं यहाँ पर। तो पहले फूल की पहली पत्ती को हमने पहले सात चेन के ऊपर जोड़ा है, फिर दूसरी पत्ती बनाकर फूल के ऊपर जोड़ा है, फिर दूसरे फूल को पहले हमने सात चेन के ऊपर जोड़ा है, फिर उसके बाद में फूल की दूसरी वाली पत्ती के ऊपर जोड़ा है। इसी तरीके से हम यहाँ पर तीन फूल और बनाएंगे। तो ये फूल बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से पांच फूल मैंने यहाँ पर डाल लिए हैं अपने, और थर्ड रो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नीचे हमारे छः फूल हैं, उसके बाद में यहाँ पर हमने पांच फूल बनाए हैं, ठीक है। और इसको सेकंड रो के फूल के साथ हमने यहाँ पर तीन चेन बनाकर जोड़ लिया है, और ये थर्ड राउंड हमारे यहाँ पर कम्प्लीट है। अब इसके बाद में हम यहाँ पर दस चेन बनाएंगे। ये दस चेन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। फोर्थ रो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर दस चेन बनाकर। अब ये देखिए, ये तीन रो हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हुए हैं। तो जो हमने ये वाला डबल क्रोशिया बनाया है अपने आखिरी वाले फूल का, इसकी चेन में ये दस चेन हम स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर देंगे। ये हो गया, ये इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। ये दस चेन हमारी ऐसे आ जाएंगी। अब ये दो पत्ती हैं हमारी, इसमें से हम दूसरी वाली पत्ती को पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो तीन चेन बनाएंगे और बीच वाले रिंग में इसको जोड़ लेंगे। ये दो पत्ती कंप्लीट हो गई। अब तीसरी पत्ती डालेंगे तो तीन चेन बनाएंगे और दो डबल क्रोशिया हम इसी रिंग में बना लेंगे। अब तीन चेन बनाकर इसको फिर से हम बीच में जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ। ये तीन पत्ती हो गई। अब चौथी पत्ती बनाएंगे तो इसके लिए तीन चेन बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, ये हो गया। अभी देखिए, ये छः चेन है हमारी, क्योंकि हमने यहाँ पर दस चेन बनाई थी और उसके बाद में चार चेन का रिंग बना दिया था, और ये छः चेन हमारी यहाँ पर बची हुई हैं। तो इसकी तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे हम, और हमारा फूल यहाँ पर जॉइंट हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से ये दिखाई देगा। चार पत्ती कम्प्लीट हो गई हैं हमारी। फोर्थ रो का पहला फूल हमने यहाँ पर कम्प्लीट कर लिया है। अब इसके बाद में हम यहाँ पर फिर से सात चेन बनाएंगे। और ये देखिए, ये दूसरा वाला फूल है हमारा। इस तरीके से दो पत्तियाँ बनी हुई हैं, तो इसका जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में स्लिप स्टिच करेंगे हम। अब इसको तीन चेन बनाकर दूसरी पत्ती को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में हम तीसरी पत्ती बनाएंगे और फिर चौथी पत्ती को बनाकर तीन चेन पर जॉइंट कर देंगे। तो ये दो फूलों के ऊपर यहाँ पर एक आ गया, और ये वाले दो फूलों के बीच में यहाँ एक आ गया। तो इसी तरीके से फूल बनाकर हम तीन चेन के ऊपर जॉइंट करेंगे, फिर सात चेन बनाएंगे और दूसरा फूल कंप्लीट करके फिर उसको तीसरी वाली चेन पे जॉइंट करेंगे यहाँ। उसके बाद फिर सात चेन बनाएंगे और यहाँ पर जॉइंट करके हम अपना तीसरा फूल कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरीके से फोर्थ रो कंप्लीट कर लूँगी मैं अपना, पाँचों फूल कंप्लीट करके, और पाँचवें फूल पर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, पाँच फूल मैंने अपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, ये इस तरीके से दिखाई देंगे, ठीक है। और चार रो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। आखिरी वाला फूल मैंने तीन चेन के ऊपर जॉइंट करके कंप्लीट किया हुआ है। चार रो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब पांचवा रो स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम छः चेन बनाएंगे पहले, और उसमें चार चेन एक्स्ट्रा हम ऐड करेंगे। तो दस चेन हमारे यहाँ पर हो गई हैं। अब चौथी वाली चेन में क्रोशिया डालकर एक रिंग बनाएंगे, और इसको आगे की तरफ लेकर हम अपनी पहली पत्ती बनाएंगे इसके ऊपर, जैसे कि हम अब तक बनाते आ रहे हैं। तो ये देखिए, दो डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। पहली पत्ती हमारी ये बन गई है,
अब इसके बाद में हम यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे और ये हमारा पहला वाला फूल यहाँ पर पड़ रहा है। थर्ड रो में हमारे पहले सात चेन आ रही थी तो हमने सात चेन के ऊपर पहली पत्ती ज्वाइन की थी, लेकिन यहाँ पर हमारा पहले फूल आ रहा है तो इसमें फूल में तीन चेन के टॉप पर हम इसको ज्वाइन कर देंगे। अब 10 चेन बनाएंगे और फिफ्थ रो का अपना दूसरा फूल इसके ऊपर हम बनाएंगे। तो चौथी वाली चेन के ऊपर क्रोशिया डालकर एक रिंग बनाएंगे, इसको आगे की तरफ लेंगे और तीन चेन बनाकर अपनी पहली पत्ती बनाएंगे। फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पैटर्न है ये। तो पहली वाली पत्ती के दो डबल क्रोशिए बनाकर हम इसको सात चेन के बीच वाली चेन में जॉइंट करेंगे। ठीक है, ये पहली पत्ती जॉइंट हो गई, इसको कंप्लीट करेंगे तीन चेन बनाकर। बीच वाले रिंग में हम स्लिप स्टिच कर देंगे, ये एक पत्ती हो गई। अब दूसरी पत्ती बनाएंगे, तीन चेन बनाकर दो डबल क्रोशिए बनाएंगे और इसको हम तीन चेन बनाएंगे उसके बाद में, और इसको हम फूल के ऊपर दूसरी वाली पत्ती में जो तीन चेन बनी हुई हैं इसकी टॉप चेन में जॉइंट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये फिफ्थ रो हमें कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए, फिफ्थ रो का पहला फूल हमारा इस वाले फूल के सामने में आया है और दूसरे फूल को हमने ये वाले फूल के सामने में बना दिया है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम यहाँ पर अपना तीसरा फूल डालेंगे और उसको सात चेन की टॉप पे जोड़ देंगे, जैसे हमने ये वाला फूल जॉइंट किया है। पहले हम यहाँ पर फूल बनाएंगे, सात चेन के ऊपर जोड़ेंगे पहली पत्ती को और दूसरी पत्ती को इस वाले फूल के ऊपर जॉइंट करेंगे। तो इसी तरीके से फिफ्थ रो कंप्लीट करना है हमें। थर्ड रो के जैसा ही है ये, सिर्फ फूलों की जगह बदल जाती है। ये देखिए, इस तरीके से फिफ्थ रो हमने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हमने पांच फूल डाल लिए हैं। अब छठा फूल हमने डाला हुआ है जिसकी हमने पहली पत्ती बनाई हुई है और इसको हम ये देखिए जैसे सात चेन पर जॉइंट करते हैं ऐसे ही हम यहाँ पर इसको जॉइंट कर लेंगे। तीन चेन छोड़कर चौथी वाली चेन पर हमने इसको जॉइंट किया है। अब इसको हम पलटेंगे और सिक्स रो स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से घुमा लेंगे। अब सिक्स रो हम अपना स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पर तीन चेन बनाकर अपनी ये पहली वाली पत्ती कंप्लीट करेंगे और इस फूल को हमें यहाँ पर कंप्लीट बनाना है, जैसे हमने सेकंड रो पर फूल कंप्लीट किया था इसी तरीके से। ठीक है, तो इसकी चारों पत्तियाँ हम कंप्लीट कर लेंगे पहले। फ्रेंड्स, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत काम आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को ओपन करें और मेरे काम को देखें, आपको सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और खूबसूरत कंटेंट मेरे चैनल पर दिखाई देगा। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इस तरह के पैटर्न और डिज़ाइन बनाने में, तो वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट ज़रूर किया करें। अगर आपको मेरी वीडियोज़ में मेरे काम को समझाने में कुछ भी कमी लगती है तो मुझे बताएँ, ताकि मैं उस कमी को भी दूर कर सकूँ और बिल्कुल परफेक्ट वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बना सकूँ। फ्रेंड्स, आने वाली जो मेरी वीडियो है वो एक गर्ल्स टॉप मैंने बनाया है, बहुत ही ब्यूटीफुल टॉप बना है वो, तो उसकी वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी उसको मिस नहीं कीजिएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से चार पत्तियाँ मैंने यहाँ पर बना ली हैं। अब इसको हम जॉइंट करेंगे तीसरी वाली चेन के ऊपर। ये छः चेन हमारी बनी हुई हैं तो इसकी तीसरी वाली चेन पर जॉइंट कर देंगे। अब इसके बाद में सात चेन बनाएंगे और ये देखिए, ये वाला जैसे हमने फोर्थ रो में काम किया था सेम ऐसे ही हमें इस रो में भी काम करना है, अपने सारे फ्लावर्स बना बना कर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो ये देखिए, इस तरीके से ये दिखाई देगा। यहाँ पर हमने फूल कंप्लीट किया था, ऐसे ही हमें यहाँ पर अपने सिक्स रो का फूल कंप्लीट करना है। यहाँ पर हम अपना फूल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर सात चेन बनाएंगे, फिर इसके आगे वाला फूल कंप्लीट करेंगे। तो छः फूल हमें इस रो में बनाने हैं। ठीक है, तो ये सारे कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, छः रो मैंने यहाँ पर तकरीबन कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से मैंने पांच फूल पूरे बना लिए हैं, एक दो तीन चार पाँच, और ये छठा फूल हमारा बन रहा है। तो जैसे हमने पहले रो में सेकंड रो में अपना फूल इनकम्प्लीट छोड़ा था, ऐसे ही हमें ये वाला फूल भी इनकम्प्लीट छोड़ना है, इसको हम कम्प्लीट नहीं करेंगे। इस साइड में जो हमारे फूल बनेंगे, जितने भी फूल आपके इस साइड में बनेंगे, वो आज सारे आपको इनकम्प्लीट ही बनाने हैं, कम्प्लीट नहीं करना है। सिर्फ राइट साइड में जो हमारे फूल बन रहे हैं उनको हम कम्प्लीट करते हुए चलेंगे। इसको हम ये देखिए, पहली पत्ती हमने बना ली है, उसके बाद में हम इसकी दूसरी पत्ती डालेंगे, तीन चेन बनाकर दो डबल क्रोशिया बना लेंगे और बस इसको इतना ही हम रखेंगे, इसके आगे हम इसको नहीं बनाएंगे। इसकी वजह ये देखिए, ये हो गया, ये हमारे यहाँ पर सिक्स रो कंप्लीट हो गया है। अब हम ये देखिए, ये वाला जो हमने फूल बनाया था इसको हमने इनकम्प्लीट छोड़ा था, ऐसे ही हम इसको इनकम्प्लीट छोड़ेंगे। यहाँ पर हमने दो डबल क्रोशिया बनाकर उसके बाद
10 चेन बनाई थी और ये वाला फुल बनाया था। ऐसे ही हम यहाँ पर दो डबल क्रोशे बनाकर अब यहाँ 10 चेन बनाएंगे सातवीं रो की और ये वाला फूल हम यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड के सारे फूल हमें इनकम्प्लीट ही बनाने हैं और राइट साइड के सारे फूल हम कम्प्लीट करते हुए चलेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम 10 चेन बनाएंगे फिर से जैसे हमने अपने थर्ड रो के स्टार्टिंग में बनाई थी, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर हमने ये वाला फूल बनाया था, इसको 7 चेन के टॉप पर जोड़ी थी पहली पत्ती। ऐसे ही हम यहाँ पर अपना पहला फूल डालेंगे और इस और ये वाली 7 चेन की बीच वाली चेन में उसकी पहली पत्ती को जोड़ेंगे। तो इसी तरीके से बुनते हुए आपको अपने स्टॉल की या शॉल की लंबाई और चौड़ाई कम्प्लीट कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद में फिर सबसे आखिर में लेफ़्ट साइड के जो फ्लावर्स हैं उसको हम कम्प्लीट करेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 3 बार फूल हमारे बने हुए थे जहाँ मैंने आपको दिखाया था, और ये मैंने 5 बार फूल बना लिए हैं। अब इसको हम जैसे हमने राइट साइड में फ्लावर अपने कंप्लीट करे हैं ये तीनों, ऐसे ही हम लेफ़्ट साइड के फूल अपने कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरीके से आपको भी अपने सारे फूल बनाकर कंप्लीट कर लेने हैं। ये देखिए ये आखिरी बार का फूल है हमारा, ये डला हुआ है यहाँ पर, और ये 10वां रो है हमारा, इसकी पहली पत्ती हमने यहाँ पर बना रखी है। अभी दूसरी पत्ती हम यहाँ पर बना रहे हैं, ये 2 हो गई। अब 3 छेद बनाएंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में अपनी तीसरी पत्ती बनाएंगे, 3 छेद बनाकर 2 डबल क्रोशे, और फिर से 3 छेद बनाएंगे, और ये 3 पत्ती हमारी यहाँ पर हो गई। अब ये चौथी पत्ती बनाएंगे हम, 3 चेन और 2 डबल क्रोशे, ठीक है। तो ये 4 पत्ती हमारी फुल की कंप्लीट हो गई हैं। अब जैसे सेकंड रो में हम अपना फुल कंप्लीट करते हैं, तीसरी चेन के ऊपर हम अपनी चौथी पत्ती को जॉइंट करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हमें तीसरी चेन के ऊपर जॉइंट कर लेना है। और ये देखिए ये लेफ़्ट साइड का हमारा पहला फ्लावर सबसे टॉप पर जो आ रहा है ये कम्प्लीट हो गया है। इसको हम इस तरीके से घुमा लेंगे। अब यहाँ पर हम 6 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ये देखिए जैसे सेकंड रो का फूल हम कंप्लीट करते हैं ऐसे ही हम इस वाले फूल को कंप्लीट करेंगे। तो दूसरे डबल क्रोशे की चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और 3 चेन बनाएंगे और बीच में सेंटर में इसको जॉइंट करेंगे। 2 पत्ती हो गई है इस तरीके से। जैसे हमने ये वाला फूल कंप्लीट किया है ऐसे ही हम ये वाला फूल कंप्लीट करेंगे। इसकी 2 पत्तियाँ और हम बनाएंगे, 3 चेन बनाकर 2 डबल क्रोशे, 1, 2। अब 3 चेन बनाएंगे और इसको बीच में जॉइंट करेंगे और अपनी तीसरी पत्ती बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से जितनी भी आपकी स्टॉल की लंबाई है आपको पूरी लंबाई के सारे फ्लावर्स इस तरीके से कंप्लीट करने हैं। तीसरी चेन पर हम इसको जॉइंट करेंगे और उसके बाद में 6 चेन बनाकर हम अपने अगले वाले फूल के ऊपर आ जाएंगे और इस तरीके से हमारे सारे फ्लावर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो जब आपके सारे फूल कंप्लीट हो जाएंगे लेफ़्ट साइड का इस तरीके से बनाते हुए ऐसे ही दिखाई देंगे, तो आपको सबसे नीचे वाला जो फूल हमने इनकम्प्लीट छोड़ा है उसको फिर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर 6 चेन बनाकर इस वाले फूल के ऊपर हम इसको जॉइंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हर फूल के बीच में आपको 6 चेन का गैप रखना है, 6 चेन का स्पेस बनाना है। अब ये देखिए दूसरे डबल क्रोशे की चेन में हम इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे। इस फूल की हमें यहाँ पर तीसरी पत्ती कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये तीसरी पत्ती बनी हुई थी जब हमने इसको इनकम्प्लीट छोड़ा था, तो ये 3 पत्ती कंप्लीट हो गई। अब हम 3 चेन बनाएंगे, अब 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी रिंग में, 1 और बनाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 चेन बनी हुई है जहाँ से हमने अपना काम स्टार्ट किया था। तो इसकी टॉप चेन में हम 1 स्लिप स्टिच करेंगे, तो ये 4 पत्ती हमारी कंप्लीट हो गई हैं इस तरीके से दिखाई देंगी। ये हमारा आखिरी फूल भी इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम एक चेन बनाएंगे और इसे उनको कट कर देंगे। ये हो गया, अब इसको हम ऊपर की तरफ खींच लेंगे और ये एक नॉट यहाँ पर लग जाएगी जो हमने एक चेन बनाई है, इसको हम टाइट कर लेंगे इस तरीके से। अब ये देखिए 2 टेल हैं हमारे पास, ये इन दोनों में हम आपस में इस तरीके से गांठ लगाएंगे और ये दोनों ही हम पीछे की तरफ ले जाकर रॉन्ग साइड पर इसको हाइड कर देंगे
तो जो ये हमारे डबल क्रोशिया स्टिच बने हुए हैं इसी की चेन में, इसी के स्टिचेस में हम इसको पीछे की तरफ ले लेंगे और इसको इसी में छुपा देंगे और हमारा स्टॉल या शॉल बनकर कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले भी काफ़ी पैटर्न मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो वो वीडियोस भी आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न मेरे चैनल पर आपको मिलेंगे। और अगर मेरा काम आपको अच्छा लगे, मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आए, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो पर लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, उसी से मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती हैं। और जब भी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले तो उस पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। तो आने वाले टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे पैटर्न और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मैंने अपने माइंड में सोचे हुए हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।